हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो लोकल जो टेलीविजन सेट में जो किट जो लगाए जाते हैं उसमें जो आईसी जो सबसे प्रचलित आईसी 8873 यूज किया जाता है, इसकी जगह पर 8821 8823 8891 8893 8895 नंबर के विभिन्न नंबर का आईसी जो यूज़ किए जाते हैं। तो इस आईसी के अंदर बने हम लोग आज तीन सेक्शन के बारे में जानेंगे। इस आईसी के अंदर एक सेक्शन बना होता है जिसको इंटीग्रेटर स्टेज बोलते हैं, और दूसरा जो सेक्शन बना होता है उसको हम लोग एफसी स्टेज बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो सिंक सेपरेटर स्टेज होता है। जो आईसी जो यूज़ किया जाता है 8873 जो आईसी यूज़ किया जाता है, इस आईसी में कुल 64 पिन बने होते हैं। और इस आईसी के जो 64 पिन बने होते हैं इसमें यहाँ से पिन नंबर एक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पिन नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से गिनती करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 32 पिन मिलेंगे, और 32 के बाद यहाँ से 33 से स्टार्ट होगा, और 33 से होते हुए कुल मिलाकर के 64 पिन यानी कि 64 पिन बने होते हैं। अब हम लोग को समझना ये है कि इस आईसी के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन बने होते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर का काम क्या है कि इस आईसी के अंदर 15625 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना, बनाना। इस आईसी के अंदर ही 15625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनता है, और बनने के बाद इस आईसी के पिन नंबर 13 से आउट होता है 15625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो 1 से गिनती करते हुए चाहेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 लिखा भी है, 10 के बाद 11 12 13 नंबर पिन से 15625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउट होता है, निकलता है। लेकिन इस आईसी के अंदर जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर बना होता है जिसके अंदर 15625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जो बनाया जाता है वह सेक्शन बिल्कुल सही काम करे, इसके लिए ही इस आईसी के अंदर एफसी सेक्शन बना होता है। और एफसी सेक्शन अगर फॉल्टी हो जाता है तो उस स्थिति में इस आईसी के अंदर बना हुआ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन सही काम नहीं करेगा, और उस स्थिति में आईसी के पिन नंबर 13 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है चेंज हो सकता है। तो आईसी के पिन नंबर 13 से निकलने वाला सिग्नल के मान को फिक्स रखने के लिए ही इसके अंदर एफसी विभाग बना होता है। और एफसी से रिलेटेड इसका जो पिन होता है नंबर पिन के साथ देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर, और फिर यही 14 नंबर पिन ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ फिर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर पॉजिटिव लाइन के लिए लगे होते हैं। क्यों? ताकि आईसी के अंदर बना हुआ एफसी विभाग सही काम करे। और एफसी विभाग का काम क्या है कि इस आईसी के अंदर बना हुआ जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन होता है जहाँ 15625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनता है और बनने के बाद में कहाँ से निकलता है, तो इस आईसी के पिन नंबर 13 से आउट होता है। तो एफसी सेक्शन में अगर किसी भी प्रकार की अगर खराबी हो जाएगी तो उस स्थिति में आईसी के पिन नंबर 13 से निकलने वाला 15625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सही नहीं रहेगा, और उस स्थिति में जो चित्र होगा वो चित्र टेलीविज़न के स्क्रीन पर सही प्राप्त नहीं होकर के चित्र कभी दाएं से बाएं और कभी बाएं से दाएं भाग में स्टार्ट हो जाएंगे, या चित्र टेलीविज़न के स्क्रीन पर चित्र नहीं आकर के लाल हरा नीला रंग का आवाज़ के साथ बदलता हुआ मोटा तिरछा लाइन नज़र आएंगे। ठीक इसी तरीके से आईसी के पिन नंबर 16 से 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउट होता है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही बने, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी कभी कम और अधिक बनने आउट हो निकले, तो उसके लिए इस आईसी के अंदर इंटीग्रेटर स्टेज भी बना होता है। और इंटीग्रेटर स्टेज इसके वर्टिकल ऑसिलेटर के अंदर जो बनने वाला फ्रीक्वेंसी होता है उसके वैल्यू को सही बनाए रखने का काम। इंटीग्रेटर स्टेज में अगर खराबी हो जाएगी तो उस स्थिति में आईसी के पिन नंबर 16 से निकलने वाला 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज हो सकता है, और उस स्थिति में वर्टिकल रोलिंग का फॉल्ट होगा। तो उस स्थिति में चित्र जो वर्टिकल रोलिंग का फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि चित्र कभी ऊपर से नीचे कभी नीचे से ऊपर की ओर भागने स्टार्ट हो जाएंगे। और दोनों इंटीग्रेटर स्टेज और एफसी सेक्शन को काम को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे कि इस आईसी के अंदर ही सिंक सेपरेटर स्टेज बना होता है जो कि इंटीग्रेटर स्टेज को वर्टिकल सिंक देने का काम करता है, और जबकि एफसी सेक्शन को हॉरिजॉन्टल सिंक देने का काम करता है। तो सिंक सेपरेटर स्टेज जो आईसी के अंदर बना होता है उससे रिलेटेड पिन नंबर 48 होता है, 48 सिंक आउटपुट पिन। देखेंगे कि यह पिन नंबर 33 स्टार्ट होता है, 33 के बाद यहाँ पर 34 35 36 37 38 39 40 40 के बाद 41 43
45, 45 लिखा भी है, 45 के बाद 46, 47 और ये रहा 48, 48 नंबर पिन यानी कि 48 नंबर पिन है, सिंक आउटपुट पिन होता है और 48 के बाद ऐसे होते हुए यही 48 नंबर पिन देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 62 से जुड़ा होता है, यानी कि 48 नंबर पिन से सिंक आउट होता है, निकलता है और इस आईसी के पिन नंबर 62 नंबर पिन को चला जाता है। तो आईसी के अंदर बना हुआ सिंक सेपरेटर में अगर फॉल्ट हो जाता है तो उस स्थिति में ना तो इस आईसी के अंदर बना हुआ इंटीग्रेटर स्टे सही रूप से काम करेगा और ना ही इस आईसी के अंदर बना हुआ एफसी स्टे सही रूप से काम करेगा, क्योंकि ये दोनों सेक्शन को काम करने के लिए, दोनों के काम को कंट्रोल करने के लिए ही सिंक सेपरेटर स्टेज बना होता है। तो अगर सिंक सेपरेटर में खराबी हो जाएगी तो उस स्थिति में चित्र आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं की ओर भागने स्टार्ट हो जाएंगे, चौतरफा, जिसको चौतरफा रोलिंग बोलते हैं, सिंक आउट का फॉल्ट बोलते हैं। तो सिंक आउट के फॉल्ट में मुख्य रूप से खराबी इस आईसी के अंदर होगी, क्योंकि इस आईसी के अंदर ही सिंक सेपरेटर स्टेज बना होता है, या जो मेमोरी आईसी जो इस आईसी के साथ जो लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है, यहाँ देखिएगा कि मेमोरी आईसी लगा होता है, तो ये आईसी भी फॉल्टी हो जाता है, तो उस स्थिति में इस आईसी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, सिंक सेपरेटर सही रूप से काम नहीं करता है।